हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल पवार। इस वीडियो में हम बात करने वाले PICT पुणे के बारे में। CoEP के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अब यार PICT को भी सिमिलरली कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा, नहीं तो यार मुझे, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ। कॉलेज रिव्यू के इस दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं PICT यानी कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज की रैंकिंग, मोड ऑफ एडमिशन, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, नोटेबल एलुमनी, कट ऑफ और प्लेसमेंट के बारे में जान लेंगे। दिस कॉलेज इस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेक्टर इन 1983। ये एक प्राइवेट अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि धनकवड़ी पुणे में लोकेटेड है, जहाँ से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर की दूरी पर है और पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम रैंकिंग देखें तो 2019 के हिसाब से NIRF रैंक है 200 से लेकर 250 तक, जो कि अच्छा खासा है। अगर हम कैंपस के बारे में जानें तो इट इज़ अ टोटली अर्बन कैंपस। कैंपस कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 एकड़ का है। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, जैसे कि कैंटीन, वर्कशॉप है, गेस्ट हाउस, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, 1200 से ज़्यादा बुक्स है जिसमें 21 जर्नल्स। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर बाकी कॉलेज की तरह ज़्यादातर ब्रांचेस उपलब्ध नहीं है। यहाँ इट ऑफर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी 2 शिफ्ट में बटी हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतनी ही 3 ब्रांचेस है। अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर MST CET एग्ज़ाम और JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें 99.5 प्लस MST CET में स्कोर होना चाहिए और 98.4 परसेंटाइल के ऊपर JEE मेंस में स्कोर होना चाहिए। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल पर ईयर फी है 1,20,000। इट्स अ ट्विन शेयरिंग रूम। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत रूम अवेलेबल है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल है। हॉस्टल प्रोवाइडिंग मच मोर फैसिलिटीज़। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स है जिसमें आपको गर्म पानी, इंटरनेट, मेडिकल ऑफिसर, मेस एंड कैंटीन, इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटी इंक्लूडिंग जिमनेशियम, 2-व्हीलर पार्किंग, जनरेटर बैग, इतनी सारी सुविधाएँ हैं। इसके बाद हम अगर नोटेबल एलुमनी पर नज़र डालें तो इस कॉलेज में से सुशील घुले, जो कि IPS ऑफिसर है, इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। सेकंड है नेहा नारखेड़े, जो कि एक इंडियन अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर एंड द को फाउंडर एंड द फॉर्मर CTO ऑफ कंफ्लुएंट भी है। ये दोनों बहुत ही जाने माने लोग हैं। अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो यहाँ पर मैं कट ऑफ्स के कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके देखो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो PICT हैज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट परसेंटेज विद टॉप कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, UBS, TCS, फोनपे, L&T, याहू, बार्कलेज एंड मेनी मोर। इन द ईयर 2017-18 यहाँ पर 66% बच्चे प्लेस हुए थे। इन ईयर 2018-19 में 82% बच्चे प्लेस हुए थे एंड 2019-20 में 84% बच्चे प्लेस हुए थे। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज रहा है 33 लाख पर ईयर और एवरेज पैकेज रहा है 6 से लेके 8 लाख तक। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगला आपको कौन सा कॉलेज रिव्यू चाहिए वो भी बताना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।